जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है, इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है, पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है? अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते? सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है, और उन्होंने उस पेंशन के बिल को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 8वां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है, 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है, 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी, उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है। केंद्र सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है देश भर से, उसमें से एक हिस्सा राज्यों को देती है। अभी तक ये था कि 42% उस टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना होता था, पिछले कुछ वर्षों में ये भी घटा के 29-30% कर दिया गया है। राज्यों को जो पैसा केंद्र सरकार देती है उसकी भी कमी कर दी गई है। कह रहे हैं पैसा नहीं है। आखिर गया कहाँ केंद्र सरकार का सारा पैसा? 2014 में जितना टैक्स इकट्ठा करता था, करती थी केंद्र सरकार, उससे तो दुगना तिगुना टैक्स इकट्ठा हो रहा है आज की डेट में। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आजादी के बाद से आज तक 75 साल मना रहे हैं हम आजादी के, पहली बार
एक गरीब आदमी की गेहूं और चावल के ऊपर टैक्स लगाया गया, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, कभी नहीं लगाया, किसी सरकार ने लगाया। सबसे क्रूर चीज है ये, एक बिल्कुल गरीब आदमी, एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं होता, वो भी मार्केट से जब गेहूं और चावल अब खरीद के लाएगा उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। किसी सरकार ने इतना क्रूर कदम नहीं उठाया था। गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गुड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया। क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी क्या हालत हो गई केंद्र सरकार की कि गरीब से गरीब आदमी के खाने के ऊपर टैक्स लगाने की नौबत आ गई, जो आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था। और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है, हर रोज बताते हैं 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए की पेट्रोल और डीजल से टैक्स पे आमदनी होती है, साल में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा रखा है। कहां गया ये सारा पैसा? और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए, सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, आधे से ज्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए, सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपये महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपये महीना फीस लगा दिए। कहां से लाएगा एक गरीब आदमी 500-500 रुपये महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि फीस लग, सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहां से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा, मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। और अब ये कह रहे हैं कि राशन भी, फ्री का राशन भी बंद होगा, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री का राशन भी बंद कर देना चाहिए। 75 साल तक जितनी केंद्र सरकारें आई किसी को ऐसा घाटा नहीं हुआ कि फ्री का राशन बंद कर दिया गया। कब से मिल रहा है फ्री का राशन? कब से राशन की दुकानें कब से हैं? अब ये फ्री का राशन भी बंद करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है ये सारा पैसा केंद्र सरकार का गया कहां? 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था, आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है, तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं, सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। एक और चीज पता चली है, अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया, आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के
5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए, इन्होंने छूट दे दी इनको। इस देश का आम नागरिक आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। ऐसे देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ऐसे तो अपने देश के युवाओं का और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर ये देश कुछ चंद लोगों के लिए चलेगा, अगर सारा सरकारी पैसा कुछ चंद लोगों पे उड़ाया जाएगा,